हरियाणा पीसीएस 2021 के थ्रू ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर के रूप में। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई। सर सर जानना चाहिए, बीएससी डेली न्यूज चैनल आप इसके पहले कभी फॉलो करते? जी, मैं यूपीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है, अपडेट्स होती हैं, उसके लिए आपका चैनल फॉलो करता हूँ और मैं आपको देखा तो पहचान भी गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कैसा रहा इंटरव्यू, क्या है ऑप्शनल और कैसा क्या है माध्यम इन सभी लोगों का, जो आप लोग जानना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक चौहान है। सर आपका मूल निवास? मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। सर आपका ऑप्शनल कौन सा और माध्यम कौन सा है? मेरा इंग्लिश मीडियम है और मेरा ऑप्शनल लॉ है। लॉ है सर। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट इंटरव्यू के लिए और मेंस के लिए कौन सा? यूपीपीसीएस मेरा है, फोर्थ अटेम्प्ट है और मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूं। अच्छा सर, इसके पहले आप कहीं चयनित? मैं हरियाणा पीसीएस 2021 के थ्रू ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर के रूप में। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई सर। सर जानना चाहेंगे अंदर जो बोर्ड था, वो बोर्ड में कौन लोग थे? मेरा मौर्य सर का बोर्ड था, एक चेयरमैन थे और 3 मेंबर्स थे। मैं मेंबर्स के डिटेल तो नहीं जानता सर। अच्छा अच्छा ठीक। नहीं सर, कितने देर इंटरव्यू चला? चला होगा 20 मिनट चला होगा। 20 मिनट इंटरव्यू। सर आज आपको पता चला होगा कि ऑप्शनल को लेकर के, कि ऑप्शनल हट चुका है, तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं सर, आपका व्यू क्या है? मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं इसमें ऑप्शनल को लेकर। जैसे मेरा ऑप्शनल लॉ जो है वो बहुत वाइड ऑप्शनल है, जबकि मैं देखता हूँ कुछ ऑप्शनल्स कुछ दिनों में ही तैयार किए जा सकते हैं, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी सबको, तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप ही देखता हूँ। पॉजिटिव स्टेप में देख रहे हैं सर। आपके ऑप्शनल को लेकर के अंदर कौन कौन से प्रश्न किए गए? दरअसल मेरा ऑप्शनल लॉ है और लॉ में ये पता होता है आपको इंटरव्यू में कि आपका ऑप्शनल पे ही इंटरव्यू चलेगा, तो मेरे से कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए। मुझसे पूछा गया कि आप एक पार्क में जाते हैं, वहाँ देखते हैं एक लड़की बैठी है, उसको कोई लड़का छेड़ रहा है और दूसरा लड़का उसका पल्लू खींच के जा रहा है, तो आईपीसी के कौन कौन से सेक्शंस इसमें लगेंगे? अच्छा। मुझसे इसके बाद कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस पूछा गया। मुझसे न्यूरम्बर्ग ट्रायल, जिनीवा कन्वेंशन, ये सब पूछा गया। सेक्शन 144 CRPC के बारे में पूछा गया, तो ये सब क्वेश्चन मुझसे पूछे। कलेजियम पे भी थे सर? नहीं, उस पर नहीं थे। अच्छा ठीक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पर नहीं थे। अच्छा ठीक। सर आपको सिचुएशनल बेस में क्या प्रश्न पूछे गए सर? मुझे सिचुएशनल में एक तो ये लॉ वाला ही पूछा गया और इसके अलावा बस ये पूछा गया कि आप लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में हो और बाढ़ आ गई है, तो आपके क्या क्या स्टेप्स होंगे, 1, 2, 3 कर कैसे बता दीजिए। अच्छा समझ। सर करंट अफेयर को लेकर के क्या प्रश्न पूछे? करंट से सिचुएशन को लेकर? करंट सिचुएशन से मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। सर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, आप उसके लिए कुछ रामबाण रणनीति छात्रों के लिए बताना चाहें? और सर आपने कहीं इसके पहले कोचिंग की? मैंने मृणाल पटेल के इकोनॉमी वीडियोस देखे हैं अनअकैडमी पे, उसके अलावा मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। रामबाण यूपीपीसीएस के लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आप घटना चक्र को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे साइंस के लिए मैंने रेफ़र किया था। इसके अलावा तो जो यूपीएससी के सोर्सेज हैं आप उसको ही फॉलो कीजिए, वो बताने मैं आप चाहें तो बता सकता हूँ, वरना यूजुअली लोगों को कॉमन सोर्सेज है। ठीक ठीक सर। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए सर आपने जो रणनीति बताई उसमें करंट अफेयर कहाँ से पढ़े? करंट अफेयर्स आप कोई भी मैगजीन ऐसी जो कि 1 लाइनर 8 से 10 महीने का कवर करती है। एक ज्ञानम मैगजीन है जो मैं फॉलो करता हूँ, आप किसी और भी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। 8 से 10 महीने 1 लाइनर करंट अफेयर। इसमें यूपीएससी वाला करंट अफेयर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो वाला आपको स्किप करना है। सर यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल आप इसके पहले कभी फॉलो करते? जी, मैं यूपीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती हैं, उसके लिए आपका चैनल फॉलो करता हूँ और मैं आपको देखा तो पहचान भी गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर कुछ मोटिवेशन कम शब्दों में दी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ? देखिए, मैं सबको यही कहता हूँ कि जब आप इस फील्ड में घुसते हो तो इस फील्ड में टाइम लगना स्वाभाविक है। एक साल की तो प्रिपरेशन होती है, 10 महीने की, 1 साल की, और 1 साल इस एग्ज़ाम को ख़त्म होने में लगता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यूजुअली होता है कि आदमी ग्रेजुएशन के बाद सोचता है कि मैं बन जाऊँ एकदम से, तो 2 साल तो आपको नॉर्मल सिचुएशंस में लगने हैं, आप ये सोचिए। तो अगर टाइम लग रहा है तो इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, बस मेरा जो मैसेज है वो यही रहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। आपका चयन इस बार किसी बड़े पद पर हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।